वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो मैं बात करने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य होने वाले पहले टेस्ट मैच के बारे में और ड्रीम इलेवन की। मैं आपको दो टीम प्रस्तुत करूँगा यहाँ पे, एक ग्रेट लीग की टीम बताऊँगा और दूसरी टीम है वो हेड टू हेड की टीम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिए, उसके बाद में वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो सबसे पहले बात करें ग्रेट लीग टीम के बारे में, तो ये ग्राउंड है वो पर्थ में खेला जा रहा है ये मैच। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तेज गेंदबाजों को ज़रूर शामिल करना है अपनी टीम में। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क को टीम में रखना चाहता हूँ। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह है, और उसके अलावा मोहम्मद सिराज। अगर आकाशदीप खेलते हैं तो मोहम्मद सिराज की जगह आकाशदीप को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, रविंद्र जडेजा अच्छा ऑप्शन विकल्प है। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह बनती है तो उनको ज़रूर टीम में रखना है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे बल्लेबाजी सेक्शन में, तो बल्लेबाजी में स्टीवन स्मिथ, विराट कोहली फॉर्म में जरूर नहीं है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमेशा अच्छा करते आए हैं। इसके अलावा ट्रेविस हेड बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे यशस्वी जायसवाल, ये एक तगड़े बल्लेबाज हैं इंडिया की तरफ से, और पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए हैं तो थोड़ा दबाव भी होगा उनके ऊपर। बात करते हैं यहाँ पर ऋषभ पंत की, एक शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज है। अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पे टीम, चार दस प्लेयर मैंने अभी तक सूच किए हैं, उनमें से चार ऑस्ट्रेलिया के हैं और छः इंडिया के हैं। तो एक और प्लेयर हम ऑस्ट्रेलिया का लेना चाहेंगे जो कि ऑलराउंडर या बल्लेबाजी में शामिल हो, तो हम मिशेल मार्श को टीम में रखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी ग्रेट लीग की पहली टीम मैंने बताई आपको, और इसमें कैप्टन के रूप में मैं सबसे पहले रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन के रूप में, और कैप्टन के रूप में जसप्रीत बुमराह को रखना चाहूँगा, क्योंकि तेज उछाल लेती हुई पिच पर जसप्रीत बुमराह इंडिया में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो विदेश में जाकर तो और बेहतर बनेंगे। बात करें यहाँ पर बैकअप की, अगर इनमें से कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी वॉशिंगटन सुंदर और लभूषण है। इसके अलावा मेरे ये दो ही प्लेयर हैं, इनको शामिल कर सकते हैं अगर कोई नहीं खेलता है तो। इस प्रकार से ये मैंने जो टीम बताई है ये आप देख सकते हैं, ये टीम मैंने बताई है ये ग्रेट लीग की टीम है। इसके अलावा अब मैं आपको हेड टू हेड की टीम भी बताने वाला हूँ। तो इस टीम में आप देख सकते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज है, उसके अलावा चार बल्लेबाज हैं वो विराट कोहली, स्मिथ, हेड और जायसवाल, उसके अलावा दो ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं जडेजा और मिशेल मार्श, चार गेंदबाज हैं इंडिया के, दो गेंदबाज और दो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क, बुमराह और सिराज के साथ में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मैंने बताया है ग्रेट हेड टू हेड की टीम बताना मैं वाला हूँ, वो भी आप एक बार देख लीजिए। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विकेट कीपर बल्लेबाज के साथ में मैंने यहाँ पे पांच बल्लेबाज खिलाए हैं ये हेड टू हेड टीम में। विराट कोहली है, स्मिथ है, हेड है, लभूषण है और जायसवाल, उसके अलावा एक ही ऑलराउंडर के साथ में गया हूँ रविंद्र जडेजा के साथ में। इसके अलावा मिशेल स्टार्क है, पैट कमिंस है, बुमराह और आकाशदीप। आकाशदीप का को इसलिए टीम में रखा क्योंकि इनका फॉर्म में बहुत ही अच्छे अभी तक जा रहा है हालिया फॉर्म देखे तो, और उनका स्थान टीम में ज़रूर बनना चाहिए। अगर प्लेइंग इलेवन में खेलता है तो ज़रूर उनको टीम में शामिल कीजिए, अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर आप दूसरे गेंदबाज सिराज के रूप में मौका दे सकते हैं इस हेड टू हेड की टीम में। तो इस प्रकार से ये मेरी दूसरी टीम थी, ये हेड टू हेड की टीम मैंने आपको बताई है। तो अच्छा लगा होगा ये आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।